जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं, जो कि वाटर एंड सैनिटाइजेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा के द्वारा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की आपको टोटल 27 पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा और इसमें आपकी एज लिमिट क्या दी गई है या आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी दबाएँ ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये वाटर एंड सैनिटाइजेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा आपको ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो दोस्तों, इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 22/6/2021 है और इसकी ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट 22/6/2021 है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 16/7/2021 है। और दोस्तों, इसमें जो आपकी क्लोजिंग डेट है डिपॉजिट ऑफिस की वो 21/7/2021 है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की कि आपको इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें रहेगी वो 27 हैं, जिसमें आपकी जनरल की 17 हैं, एससी की 2 हैं, बीसी ए की 4 वैकेंसीज हैं और बीसी बी की भी इसमें आपको 4 वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो 15,000 पर मंथ दी जाएगी और दोस्तों, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 60 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस या रूरल स्टडीज़ में और आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th या प्लस टू में। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इसमें आपका एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जिसमें वर्किंग इन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम, विलेज वाटर एंड सैनिटाइजेशन कमेटी, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड सैनिटाइजेशन एट्सेट्रा, इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है और एससी, बीसीए, बीसीबी के लिए आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो फ़ीस है ये आपकी थ्रो ओनली ई चलान के जरिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर इसकी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपका वाटर कंजर्वेशन जनरल अवेयरनेस के आपको 20 मार्क्स होंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी आपको 20 मार्क्स होंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही सोशल साइंस के 20 मार्क्स होंगे, जनरल इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं और जनरल हिंदी के आपको 20 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल आपको 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपका इसमें एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बताया गया है या फिर आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में जो है आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह रीड करने के बाद ही अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करें। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर आपकी कोई एनी अदर क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।